साथियों, मैं मनीष जांगिड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार आज इस झेलम लोन में उम्र जन सैलाब को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं को और इलेक्शन कमीशन को स्वागत करता हूँ और इस्तकबाल पेश करता हूँ। साथियों, मैं अरावली के उस छोर से आता हूँ जिस छोर पर ऐसे अन्न उगाना एक टेढ़ी खीर है, और आज अरावली के इस छोर पर हूँ जहाँ कैसे ज्ञान की गंगा का प्रवाह होता है। मैं अरावली की इस यात्रा को आपके समक्ष दो पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में तपकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। साथियों, आज का मैं भाषण समर्पित करता हूँ इस जेएनयू को। आज का मैं भाषण समर्पित करता हूँ उन सभी छात्रों को जो दो दिन बाद रेस्पॉन्सिबल जेएनयू के लिए वोट करने वाले हैं। आज का मैं भाषण समर्पित करता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू के उन संघर्षों को जो इंश्योर करते हैं कि यहाँ की लाइब्रेरी का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हो, और मैं इंश्योर करता हूँ उन क्रांतिकारी वीरों के नाम हो जो इन वामपंथियों द्वारा इतिहास के पन्नों में तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो विवेकानंद हो। साथियों, आज के ये जनसैलाब को मैं बता देना चाहता हूँ, ये प्रेसिडेंशियल डिबेट आज की इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाली है, क्योंकि आज से बड़ा इतना हुजूम कभी इस डिबेट में नहीं आया है। साथियों, इस हुजूम में आए हुए सभी छात्रों को मैं एक सच बताना चाहता हूँ, और वो सच स्पेशली नए छात्रों के लिए। जब ये नया छात्र जेएनयू में आने के लिए सपने बुन रहा था, रात दिन एक करके अपने कमरों में पढ़ाई कर रहा था, तो यहाँ का वामपंथी लोग एक कैंपस में जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम की प्रणाली पर सवाल उठाकर उसका चरित्र हनन कर रहा था, आने वाले नए छात्रों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहा था और कह रहा था आने वाला नया छात्र रट्टू तोता होगा, आने वाला नया छात्र किसी के रहमो करम पे पलेगा, आने वाला नया छात्र इनकम्पिटेंट होगा। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप दो दिन बाद ऐसे जेएनयूएसयू को, ऐसे लोगों को वोट करेंगे क्या जो लोग आने से पहले आपको इनकम्पिटेंट बता देते हैं? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तब तक नहीं रुके जब तक कि इस कैंपस में आप लोग अंतिम रूप से आने गए, और आप देखेंगे जिस प्रकार से इन्होंने अपनी कन्वीनर रिपोर्ट में भी मेंशन किया कि आने वाला नया छात्र रटंतु होगा। साथियों, उन्हीं में से एक कन्वीनर को उपहार स्वरूप अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी बना दिया जाता है। साथियों, आपको इस मंच से, आज इस लॉन से इंश्योर करना होगा आप किसके साथ हैं। क्या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको इनकम्पिटेंट कहते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपके चरित्र का हनन करते हैं? साथियों, जब एक जेएनयू का नया छात्र सपना बुनकर कैंपस में तो आ जाता है, पर जब वो हॉस्टल की डिमांड करता है, हॉस्टल के नए इंफ्रास्ट्रक्चर के सपने लेकर इस कैंपस में आता है, तो उसे हॉस्टल नहीं मिलता है। साथियों, और उसी के साथ साथ जब वो लाइब्रेरी में सीट ढूंढता है तो लाइब्रेरी में उसको बैठने के लिए सीट नहीं मिलती है। साथियों, जब वो अपनी पढ़ाई करने या तो अपने लैब या क्लासरूम में जाता है तो अपने लैब में इंस्ट्रूमेंट पर चढ़ी हुई धूल को देखता है, या क्लासरूम में ना एसी होता है और पंखे तो चलते ही नहीं है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी के साथ साथ उसकी जर्नी शुरू होने के बाद वो हॉस्टल की तरफ जाता है, और हॉस्टल की जो जर्जर अवस्था है, वहाँ की गंदगी है, तो वह जिस थाली में आप लोग खाना खाते हैं वो ऐसी थाली है जिसको कुत्ते बिल्ली चाटते रहते हैं। साथियों, और जब वो प्रश्न पूछता है या फिर इस कैंपस के यूनियन को ढूंढता है, तो इस यूनियन की राजनीति एबीवीपी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और वो कहता है, और वो नए छात्रों को बरगलाने लगता है। तब मैं बता देना चाहता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में एक ऐसा यूनियन है जो हर नए छात्र की आवाज बनता है। साथियों, दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में आया तो उसने नए नए कीर्तिमान छात्र हितों के लिए स्थापित किए। साथ
1996 की बात हो या 2001 या 2015 की बात हो, हम लोग 1996 में यूनियन में आते हैं तो कैंपस में महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए जीएस कैश का रिप्रेजेंटेशन हम लोग जीएस कैश का शुरू करते हैं। और उस जीएस कैश का पहला रिप्रेजेंटेटिव स्कूल ऑफ लैंग्वेज से एबीवीपी का एक्टिविस्ट होता है साथियों। उसी के साथ रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, पोस्ट ऑफिस और एसबीआई बैंक जैसी बुनियादी सुविधाएं कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र समुदाय के लिए लेके आता है। जब 2015 में मात्र एक सीट हम जॉइंट सेक्रेटरी की जीत के आते हैं तो कैंपस का नैरेटिव बदलने की कोशिश करते हैं और कैंपस प्लेसमेंट वाईफाई परिषद की यही लड़ाई का नारा देते हैं। और आज जो इस कैंपस में आप सभी हॉस्टल्स में वाईफाई यूज कर रहे हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संघर्षों का परिणाम है। जो आज प्लेसमेंट सेल इस कैंपस में इंश्योर हुई है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के परिणाम। इसी के साथ जब 2017 में एबीवीपी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इसी जेलम लोन के मंच से आह्वान करती है, अगर हम यूनियन में आते हैं तो कैंपस में ई रिक्शा ई बाइसिकल लाएंगे, अगर हम यूनियन में आते हैं तो कैंपस में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लाएंगे। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ यूनियन में हम लोग नहीं आ पाते हैं परंतु आप देखेंगे हमारे संघर्ष ऐसे हैं कि 3 महीनों के अंदर कैंपस की सड़कों पर ई रिक्शा और ई बाइसिकल दौड़ने लगता है और कैंपस में तमाम जगह पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन भी आप देख सकते हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जब ये न्यायालय 13 पॉइंट रोस्टर को इस सामाजिक न्याय की हत्या करते हुए कैंपसों पर थोपता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करने का मूवमेंट चलाया। आपने देखा होगा 1 साल पहले हमने मूवमेंट चलाया था कि कैंपस में स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में जितनी भी फेलोशिप्स मिलती हैं सारी फेलोशिप हाइक होनी चाहिए। आज 1 साल के बाद इसी मंच पर हम खड़े हैं और देखेंगे कि JRF, SRF, RA ऐसी तमाम फेलोशिप में हाइक होता है। उसी के साथ साथ मौलाना आजाद फेलोशिप RJNF वापस रीइंट्रोड्यूस होती है। ओबीसी छात्रों के लिए ओबीसी फेलोशिप, नेशनल ओबीसी फेलोशिप की संख्या 300 से बढ़ाकर 1000 करा होती है तो उसके पीछे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संघर्षों का परिणाम है। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलावादी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, फेमिनिज्म चिल्लाते हैं। उनके लिए चिल्लाने के बाद उनके जो महिलाओं के लिए काम होता है वो एक कोरा कागज होता है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश में 10 लाख महिलाएं जो भारत के सुदूर क्षेत्रों से आती हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हुए आप देखेंगे कि एक मिशन साहसी जैसा कार्यक्रम पूरे देश में करता है और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संस्कार है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महिला सशक्तिकरण है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर एक JNU जो मेरा प्यारा JNU है उस JNU पर इन वामपंथियों ने, इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने, इन अर्बन नक्सल्स ने 9 फरवरी का डब्बा छोड़ देते हैं। साथियों ये 9 फरवरी 2016 को भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते हैं, ये 9 फरवरी 2016 को भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी ऐसे नारे लगाते हैं साथियों और इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहते हैं। ये तब तक बाज नहीं आते जब आज से ठीक 1 महीने पहले आप देखेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नारा कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी सच जब संसद में ये सपना सच होता हुआ दिखा देता है 370 को हटा दिया जाता है तो आप देखेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने के सच होते हुए का जश्न मनाते हैं। उसी में दूसरी तरफ आप देखेंगे बहन मायावती जो अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए
आप देखेंगे बहन मायावती उसका समर्थन उस निर्णय का समर्थन करती है। मैं उनको इस मंच से प्रणाम करता हूँ साथियों। आप देखेंगे एक ऐसा गठबंधन इस कैंपस में आप सभी के कारण, आप सभी जो एबीवीपी की आवाज बने उनके कारण बना है। उसी में एक ऐसा संगठन ऐसा है जो लगातार 1990 से लेकर 2018 तक अध्यक्ष पद का उम्मीदवार का चुनाव लड़ता रहता है साथियों। पर इस साल वो यूनियन में, इस साल वो इस गठबंधन में आया तो उसके पास अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं होता है, या फिर उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सके। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, ये वही ऐसा है जिसका वही एरोगेंस है जो इस मंच से कई बार बोल चुका है, अगर कुत्ते को भी लड़ा देंगे तो हम जीत जाएंगे। साथियों एक तरफ एसएफआई ऐसा कैंडिडेट देता है, एक तरफ एसएफआई का चरित्र मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कैंपस से लेकर, केरल से लेकर बंगाल तक तमाम इनका रक्त रंजित इतिहास रहा है। आप देखेंगे जब केरल में इंसा सिंदूर और नंदीग्राम की मिट्टी जब आप देखेंगे तो उस मिट्टी को खोदेंगे, उस मिट्टी में से तापसी मलिक की आवाज निकलती है साथियों। दूसरी तरफ ये जो डीएसएफ है इनके साथ गठबंधन है जो 2012 में एसएफआई में डेमोक्रेसी के नाम पहले हुआ था, आज वो ढाई लोगों की पार्टी इन्हीं की गोद में बैठी है साथियों। साथियों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कैंपस सेंट्रिक, सॉल्यूशन सेंट्रिक एजेंडा के साथ इस कैंपस में आया है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब 6 तारीख को वोट करने जाएंगे, 6 तारीख को जब आप वोट करने जाएंगे और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आप जीत इस जनसैलाब ने सुनिश्चित कर दी है। और यूनियन में आने के बाद आप डिप्रिवेशन पॉइंट महिलाओं के लिए हम इंश्योर कराएंगे साथियों। दूसरी तरफ यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी महिला दिव्यांग के लिए रिजर्वेशन बनाएंगे साथियों। आपको बता देना चाहता हूँ अंत में जब 7 तारीख को चंद्रयान 7 तारीख को चंद्रयान होगा 8 तारीख को आपको